सो गाइस यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे जा रहे हैं लोग। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड। कितने राउंड में जाकर के रिजेक्ट किया? थर्ड राउंड में। और दिस बन मार्क, खाने का ज्यादा बनाने का शौक था ना उस दिन, दाल के चक्कर में ये सब हो गया। नहीं यार, मैंने रिक्वेस्ट करी मैम को, मैंने बोला इससे पूछना सिमरन से, सिमरन मैंने बोला था ना, रिक्वेस्ट करी ना मैम को, मैम नहीं मान रही है यार। इसका सेकेंड डोज नहीं हुआ है ना, तो इसको भी मना कर रही है जाने के लिए, मतलब दूसरे राउंड में जाने नहीं देगी, तो वही हम लोग का यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। इंडिगो पेपर में आज तक मुझे ये सवाल नहीं आया। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हो गए। आज है एयर इंडिया इंटरव्यू, 5 सितंबर है गाइस, और पहुंच गई हूँ अपने बोड़ी बिस्तर के साथ फाइल वाइल लेकर के पहुंच गई हूँ गाइस इंटरव्यू के लिए। गाइस जो भी क्वेश्चंस होंगे एयर इंडिया का रिसेंट क्वेश्चंस, वो सारे शेयर करूंगी गाइस। बाद में आपको अच्छे से बताऊंगी ये मास्क का राज क्या है, बता दूंगी ना। बहुत बुरा राज है गाइस, लेकिन बता दूंगी थोड़ा बहुत आप लोगों को। और मैं अभी जा रही हूँ इंटरव्यू वेन्यू में। सुना है कि पहले BMI राउंड होंगे, उसके बाद HR राउंड के लिए भेजेंगे, क्योंकि एक लड़की मुझे मिली ना, तो वो इंटरव्यू दे दी थी, तो उन्होंने मुझे बोला। और गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना उसके शेयर कीजिए। सो गाइस मैं जाती हूँ इंटरव्यू वेन्यू में। क्या बोलूँ गाइस, यहाँ भी मेरा पॉपआउट हो गया। आना था मुझे 9 बजे नहीं यार, वैसे तो 9 to 9:12 होता है ऐसा कुछ, बट लिखा था 9 AM ऑनवर्ड्स, मैं तो आ गई। और वो बोले कि नहीं, मैं तो 11 बजे पहुंची ना, हम लोग सब नहीं वो, अरे नाम क्या था बताओ। नहीं एकदम नहीं दे रही नाम बताओ। सिमरन, हाँ इसका नाम सिमरन है। तो इसने तो दे दिया था ना इंटरव्यू, कितने बजे आए थे? तुम्हारा किस चीज़ के लिए वो किया? BMI हाइट के लिए। तो गाइस ये इसका हाइट के लिए हो गया, चलो कोई बात नहीं। इंडिगो है ना, इंडिगो में जाएंगे। इंडिगो में तो तुमको कभी देखा ही नहीं, क्यों? क्यों आती है? इंडिगो आई थी, जल्दी आती हो शायद। हम लोग वैसे भी लेट लतीफ है गाइस, लेट लतीफ बोल के नहीं है, वैसे 9 AM ऑनवर्ड्स लिखा था, 11 बजे तक मैं पहुंची तो एंट्री नहीं दिया मैं तो, कितना हो इतना मेकअप वेकअप करके यार, क्या करो, बालाजी घूमेंगे। माय गॉडनेस, चलो। तो गाइस मैं जा रही हूँ वॉशरूम की तरफ, और कुछ क्वेश्चन अगर पता चलते हैं तो बता दूंगी यार, अभी यार कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो रिक्वेस्ट भी करी, वो रिक्वेस्ट को क्या बोलूँ यार, वो बोलते हैं कि अगर तुम अभी टाइम पे नहीं आ सकते तो बाद में तो फ्लाइट उड़ जाएगा, तो ऐसा बोला है ना उसने, क्या बोला मैम ने, अगर अभी बोलते अभी अगर टाइम पे नहीं आओगे तो फिर बाद में फ्लाइट उतना टाइम में तो उड़ जाएगा, तब तक तुम क्या करोगे? यू नो व्हाट, स्पष्ट रूप में समझाया सो गाइस बुरा लग रहा है यार, मेरे साथ एयर इंडिया में जब भी जाते हो ये क्यों होता है? एयर इंडिया, यस अच्छा है, दिस इज एयर इंडिया एक्सप्रेस है। एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इट इज कम्बाइंड विद एयर एशिया। कम्बाइंड विद एयर एशिया, एयर इंडिया एंड एयर एशिया बोथ इज डिफरेंट और व्हाट? डिफरेंट डोंट यू चेक? नो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। कोची कनाडा इंटरनेशनल हब इज देयर नो? ओके, मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट है ये दोनों। चलो कोई बात नहीं गाइस, एयर इंडिया में जाएंगे। दैट्स व्हाई टू इवन हाइट दे आर टेकिंग फॉर एयर एशिया ओनली, सेम 157 स्टार्टिंग, और एयर इंडिया इट वाज 155 सेंटीमीटर, 5.2। बाय बैड, हमें यार ट्राई भी करने का मौका नहीं मिला। ट्राई तो यार करने देना चाहिए ना, मैं रिक्वेस्ट भी की, अभी ये बोल रही रिक्वेस्ट करेगी। बाहर भी ना एयर इंडिया पे ट्राई नहीं किया, यू नो व्हाट, आई जस्ट फ्लू जस्ट फोर इंच गाइज, बहुत मैटर करता है हाइट वाइट सब कुछ मैटर करता है। सिर्फ हाइट ही चेक किया या वेट भी चेक किया? वेट चेक किया था, ओनली हाइट, फर्स्ट वर्ड ओके, पहले हाइट चेक कर रहे थे, उसके बाद दूसरे राउंड में भेज रहे हैं। नहीं यार, मैंने रिक्वेस्ट करी मैम को, मैंने बोला इससे पूछना सिमरन से, सिमरन मैंने बोला था ना, रिक्वेस्ट करी ना मैम को, मैम नहीं मान रही है यार। तू भी जा एक बार कर ले, अगर दिल को ठंडक पहना है जा कर लो, अगर मत रिक्वेस्ट करना चाहते तो तुम अपनी तरफ से एक बार करके देखो। मैंने किया और वो सलमा मैंने भी किया, सलमा और मैंने दोनों ही रिक्वेस्ट की गई, इस बार नहीं बोला ना तो क्या करूँ? हाँ
वांटेड टू ट्राई वंस. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हिंदी को फिर मैं हिंदी को भी दे दी थी. अब अगेन वी मेट. सो गाइज हाउ आर यू? तो गाइज ये मणिपुर से जो थी ना, आप लोग ने ब्लॉग में देखा था ना, वही है. आज मैं फिर से एयर इंडिया एक्सप्रेस में मिल गई इसको. तो हाउ वाज योर इंटरव्यू? आई डिडंट गेट, आई हैव बीन फाइंडिंग एनी प्लेस फॉर डूइंग वैक्सीनेशन फॉर सेकंड डोज. द इंटरव्यू दैट मैम इज टेलिंग मी टू फाइंड टू डू इट, बट आई हैव ऑलरेडी गोइंग टू 3 हॉस्पिटल्स. But they okay. didn't provide. It's already closed. They are saying that. Okay, ma'am. Ma'am, so you don't have that. Yes, I have second dose. I have that first dose vaccination certificate, but but that ma'am is telling me to get it done by today. The second dose. I don't know. कैसी? ठीक हूँ यार. कैसा है? और जा ये गाइस सब सारे मेरे ब्लॉग मतलब ये सब सारे मेरे व्यूवर्स. हाँ क्या बात, इंटरव्यू कैसा गया यार? हमें तो हुआ अच्छा, हो गया पर्सनल इंटरव्यू होंगे उसके बाद. तो ऑल द बेस्ट. अरे नहीं हुआ ना, मैं लेट से थोड़ा पहुंची ना. वो बोला कि अगर तू फ्लाइट हुआ उड़ गया फिर तुम वैसे भी तुम फिर बाद में क्या करेगा. दो घंटे बाद बहुत ज्यादा स्ट्रिक है. कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. कोई बात नहीं, चलती हूँ. बाय बाय बाय. सो गाइस उसको वो वैक्सीनेशन का भी उसका प्रॉब्लम है. फर्स्ट डोज लिया है, सेकंड डोज नहीं लिया ना. वो अभी हम जा रहे हैं बाहर, जाते बाहर. यहाँ पे इसका सेकंड डोज नहीं हुआ है ना, तो इसको भी मना कर रही है जाने के लिए, मतलब दूसरे राउंड में जाने नहीं देगी. तो वही हम लोग का यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है. इसको अभी सेकेंड डोज चाहिए, बट सेकेंड डोज तो गाइज वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज तो वो तो ओवर हो चुका है ना, तो क्या कर सकते हैं गाइज. क्या बोलूँ, ये मैम मतलब किसी को क्या बोलूं यार, कंसीडर ही नहीं कर रहे. हो गया ना, बुरा तो लग रहा है. और सलमा भी शायद उसको भी नहीं मिला चांस. तो बहुत लोगों को नहीं मिला, ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, क्योंकि बोला है कि 9:30 तक कंसीडर कर देते तुम आगे. इतना लेट नहीं ना गए, इतना दूर से आई हूँ. दो घंटे लगे हैं आने में. और कर देना चाहिए यार कंसीडर, इसमें कौन सी बड़ी बात है. और ज़्यादा भी लेट नहीं हुई ना, 11 बजे का कौन सा टाइम होता है यार. चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है. मैं तो 11 बजे आई थी. हथौड़ी का भी शायद मेरे से शायद पहले आए होंगे, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट कर ली. हाँ ना हथौड़ी का तो सब दिखा, मैं पीछे नहीं देखना चाहती. तो मैं दो राउंड हो गया अभी. पहला था वो BMI, एंड देन उसके बाद था क्या बोलते उसको, डॉक्यूमेंटेशन था, वो भी हो गया अभी. डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड, पासपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, 12 पास, एंड देन 10 पास. हाँ, और जिसके पास वैक्सीनेशन नहीं है ना उसको भी रिजेक्ट कर दे रहे हैं. हाँ, पासपोर्ट जिसके पास नहीं है उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं. स्ट्रिक्टली, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट. तो अभी थर्ड राउंड के लिए है ना, वेट कर रहे हैं. कार्ड चेक करेगा और कुछ हाँ, जो कि अगर सिलेक्ट हो जाती है तो मैं आपको बता दूंगी. इसको मैं कॉल करूंगी, अगर सिलेक्ट हो जाता है तो फिर आपको गुड न्यूज दे दूंगी. हाँ, प्रे करो इसके लिए. नमस्ते, बाय. तो गाइस ये भी मेरी तरह है, दोनों में ही गैस भी होती है कि लेट पहुंचे. चलो गाइस ये तो सिलेक्ट भी हो गई थी और ये भी सिलेक्ट हो गई थी एयर इंडिया में. सिमरन सो गाइस यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे जा रहे हैं लोग. क्यों कम करता है मतलब उनका जो मेजरमेंट सिस्टम है वही डिफरेंट होता है. ये एयर एशिया एंड दिस वन इज डिफरेंट. तो तुम्हारा बाहर में तो 157 है और यहाँ पे 137. इंडिगो पे तो हाइट रिक्वायरमेंट फुल हो जाता है. इंडिगो फिर वेट नहीं होता है. मतलब जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार, क्या बोलेगा.
कोई नहीं और बैठे क्या, चलो बैठ जाओ। अभी मैं जा रही हूँ घर जा रही हूँ। आज पता नहीं हेयर स्टाइल भी चेंज किया था, शर्ट भी थोड़ा चेंज कर लिया था। तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा कोई नहीं गाइस। और गाइस ना बहुत लड़कियों को सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर बीएमआई में अगर क्लियर कर लेते ना उन लोगों को, मतलब ऑलमोस्ट लड़कियाँ सिलेक्ट ही हो जाती है एयर इंडिया में, एयर इंडिया एक्सप्रेस है गाइस ये। तो शायद मुझे लगता है कि वो मेरी जो फ्रेंड है ना हाजोरिका, वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो अगर वो सिलेक्ट होती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, इवनिंग तक तो पता चल ही जाएगा मुझे, मैं उसे कॉल करूंगी और अगर पता चलता तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। एंड हम लोगों को तो इंटरव्यू देने दिया नहीं है, अंबिका का भी नहीं हुआ इंटरव्यू, मेरा भी नहीं हुआ और सलमा का भी नहीं हुआ। बहुत लड़कियों का इंटरव्यू नहीं हुआ। जो 9 बजे पहुंचे थे, 9:30 बजे तक पहुंचे थे, उन लोगों का इंटरव्यू लिया और किसी को वेट के लिए रिजेक्ट किया, किसी को हाइट के लिए रिजेक्ट करे। तो सबसे पहले हाइट ही चेक किया जाता है, तो उसमें अगर सिलेक्ट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नहीं भेजते। माय गॉडनेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम लोग को इंटरव्यू नहीं मिला, इंटरव्यू देने नहीं मिला तो चांस भी नहीं दिया हम लोगों ने, और ऊपर से हाइट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा। वही तो, ज़्यादा कैसे मांग सकते हैं, पता नहीं। एक तो इनका हाइट चेक करने का सिस्टम अलग है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट और कुछ ट्राई कर लेंगे। मेरा तो शर्ट इतना टाइट हो गया है ना गाइस, जो भी है बस वही इंडिगो ही है गाइस, अब इंडिगो के भरोसे ही हम लोग हैं, देखते। और मैम ना कुछ बोल रही थी, किसी किसी को दिल्ली में जाओ इंटरव्यू, तो दिल्ली में कंटिन्यूस इंटरव्यू होने वाले हैं। कौन जाएगा यार दिल्ली, जाएगा? चल तेरा फ्रेंड भी है ना दिल्ली में, नवम्बर में, इस मंथ में ना बहुत कंटिन्यू इंटरव्यू है गाइस, देखते हैं, क्या पता दिल्ली निकल जाऊँ। सो गाइज, मैं ना इनको देखी थी, मैं इसको लाइन में देखी थी, यहाँ पे इसका नंबर प्लेट लगा हुआ था, मैं सोची सिलेक्ट हो गया है। और कितने राउंड में जाकर के रिजेक्ट किया? थर्ड राउंड में। और दिस बन मार्क, खाने का ज़्यादा बनाने का शौक था ना उस दिन, दाल के चक्कर में ये सब हो गया। सिर्फ वो थोड़ा के लिए दाल बनाना ज़रूरी था तुम्हें, दाल बनाने के चक्कर में आज रिजेक्ट हो गया। लेकिन ना सिलेक्ट हो जाता, मुझे ना लग रहा था बहुत लड़कियों को सिलेक्ट कर रही है ना, इजीली सिलेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्यों सच बोल दिया अभी, सच तुमने क्यों बोला, ये चेक नहीं किया था क्या? ये खड़ी से छुपाने वाली थी, अभी खड़ी से ऐसे छुपाऊंगी ना फिर भी दिखेगा देखो, हाँ खड़ी से छुपेगा ना फिर बाद में अगर रिजेक्ट हो जाऊंगी। हाँ ये बोला, ये जीरा तुम तेल में तड़का दिया ना जीरा। तुम खाना बनाने का शौकीन है तो खाना बनाने के चक्कर में गाइस देखो ना हाथ का क्या हालत कर लिया है। रूम रेंट में रहती हूँ ना तो पकाना तो पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार। बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लगता है यार, कोई रिजेक्ट हो जाता ना लिटरली मुझे बुरा लगता है। मैं मुझे तो इंटरव्यू देने ही नहीं दिया ना क्योंकि मैं लेट हो गई। बहुत लड़कियों को रिजेक्ट किया, ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, बहुत लड़कियों को मना कर दिया कि ना ही लेना, छोड़ो के लिए वेट करो, खाओ या करो पता नहीं अभी। कोई बात नहीं ना। और सुनो ना, वो ये कितने राउंड में जाकर के ये चेक हुआ स्कार्स? थर्ड राउंड में। एंड फोर्थ राउंड क्या था होने वाला था? पीआई होगा वगैरह कुछ होगा, फिर जो सिलेक्शन होता है उसको भी अच्छे से निचोड़ के उनका भी देखते हैं फिर कुछ रीजन ढूंढते हैं। सो गाइस, जब भी आओ इंटरव्यू के लिए पूरे प्रिपेयर का साथ आओ, प्रिपरेशन करो और कभी भी खुद को बचाने के लिए सच मत बोलो। अगर जिस सच से तुम्हारा अच्छा हो जाना वो मत बोलो। हाँ, जिस सच से तुम्हारा नुकसान होता है ना वो कभी मत बोलो, ठीक है? वो छुपा दिया करो और कंसील कर लेना चाहिए था, तुम्हें कंसील करना चाहिए था। मैंने मेकअप का वो लगाया था फिर भी दिख रहा था, ये बहुत क्या था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और इंडिगो में जाती हो? रिजेक्ट। कोई बात नहीं, 13 सितंबर को है, हम लोग जाएंगे, मिलते हैं ना 13 सितंबर को। हाँ नंबर ले लो, नंबर तो गाइस मैं बहुत लोगों को दे देती हूँ। गाइस हम आए हैं आलिया के, अंबिका उर्फ आलिया के आलिया के एकोमोडेशन में आए हैं। आलिया और... भी देखिए गुस्सा हो जाएगी यार। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है मेरी फ्रेंड है, मुझे जो बोलना अच्छा लगता है मैं तो बोलूंगी, किसी को पसंद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती है ना। मेरी फ्रेंड है सुंदर तो है बस। बर्निंग लाइक हेल। सो गाइस अभी आए हैं और आज यहाँ पे थोड़ा चिलविल करेंगे, इसके रूम में चिलविल करेंगे
और कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक भी ले लिया है एंड उसके बाद चिकन विकन बनाएंगे, खाएंगे, पियेंगे। अभी रुकना पड़ता है, ओ यहाँ पे नाम भी मेंशन करना पड़ता है गाइस, इतना सिक्योरिटी। ये वाला छोटा नहीं है। तो गाइस हम लोग को क्या क्या खाना है तो वो लोग अभी देख रहे हैं। नूडल्स खा लेंगे अभी, उसके बाद थोड़ा देर बाद चिकन विकन लाएंगे, खाना भी खा लेंगे, मज़ा आएगा। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड आप लोगों को क्या अच्छा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस अभी हम लोगों ने जो जो स्नैक्स लाए थे अभी खा रहे हैं, खा लेते हैं। गाइस हम खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस करके। हाय गाइस हम लोग चिप्स खा रहे हैं, आपको खाना है तो आप खरीद के खा सकते हो, खरीद के दो। हिंदी बोलना जरा हिंदी। नेपाल की गाय दिया ना तुम्हें, क्या कर दे छो फोन चलाव दे छू, ऐसे बोलो फोन चलाव दे छू। हाँ वेरी गुड, सुर सही है। छू छू हजूर बोलो, हजूर हजूर मतलब जब बुलाते हैं ना तो बड़ो नहीं है, बड़े लोग जब आपको बुलाते हैं ना तो मतलब हाँ जी बोलते हैं ना, तो हजूर तो मम्मी तुम्हें बुलाएगी तो हजूर ऐसा करके बोलना होता है जब बड़े लोग है ना। Isn't it? Why are you so busy, busy girl? Pretty girl walk like this. Choma? हाँ सदमा पे हो क्या? हम दोनों को तो actually literally दोनों को सदमा में हैं हम लोग। Smile no once. मैं तो नहीं दिखा रही। Cute girl. She's cute, no? No, I'm cute. No, I'm not. बोले। देखा मेरे hair? ऐसा लग रहा है भूत बन गई हूँ मैं। प्रिपरेशन किया था क्या तूने इंटरव्यू के लिए? सच बता, किया था तो मैं सुबह को क्या किया? कौन है इसका ओनर, कौन है एयर इंडिया एक्सप्रेस का? सिमरन आलोक, अरे 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 अलोक सिंह, अलोक समथिंग है। ओहो इतना प्रिपरेशन तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो नहीं बोलती, तो पूछते भी नहीं इंडिगो पे भी, मैं आज तक मुझे ये सवाल नहीं आया है कि मैं इंडिगो के बारे में कुछ बताओ, बताओ। तो मुझे इंडिगो का पूरा नॉलेज है बट दिस ये उसका नहीं है, एयर इंडिया से जानी है, सिमरन को सारा क्वेश्चंस पता है एयर इंडिया एक्सप्रेस में क्या क्या पूछेंगे। ये मैंने ऑलरेडी अच्छा बता 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 इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का आई गेस अगस्त 2023 में 20 क्या बोलते हैं नेशनल समथिंग एंड इंटरनेशनल। चलो कोई नहीं, फिर भी इतना तो प्रिपेयर किया ना हम लोगों ने, कुछ नहीं किया था। तुम क्या था? मैं नहीं करती यार, मैं भी नहीं करती। प्रिपेयर क्या है ना कि व्हाई एयर, हाँ 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 पूछते हैं, पूछते कुछ बोलना पड़ता है, तुम तब कुछ भी नहीं बोलोगे इंटरनेशनल था, पता नहीं था क्या? नहीं पता सच्ची में, अरे मत बोल बेइज्जती, मत कर रहे मत कर इंटरनेशनल।
उसमें हाइट देख 157 से स्टार्ट होता है, तो सेम इसके साथ टायर है तो इसमें भी 157 है। नेक्स्ट टाइम क्या करूंगी मैं, स्टॉकिंग्स के अंदर शोल चलो रूही भाई तो बोलो यार अपने सब्सक्राइबर को। बाय गाइस, ये अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहती है पता नहीं क्यों। गाइस थक गई हूं, थक गई हूं, व्हाट इज द रीजन। व्हाट, बाय, हाय बोलो, हाय नॉट हाय। ये का तो खत्म हो रहा है, अब ऑप्शन नहीं है बहना, अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। बाय बोल दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोलो। Subscribe to my channel, okay? My channel.